हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टिच बाय सपा। मैं आज आपको इस कपड़े से डिज़ाइनर कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग सिखाऊंगी। मैं सबसे पहले आपको ये खोल कर दिखा दूं। देखिए फ्रेंड्स, ये कपड़ा कुछ इस तरह से, मैं इसमें ही आपको डिज़ाइनर कुर्ती सिखाऊंगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए आपको पता होगा इस कपड़े में बीच में एक सिलाई आती है, हम वो हटा देंगे। देखिए ये हट गई है और मैं बैक पार्ट हटा के पहले फ्रंट पार्ट लूँगी। तो फ्रेंड्स, मुझे ये कपड़ा नहीं चाहिए, मैं इसे हटा दूँगी और इसको अच्छे से सेट कर लूँगी। देखिए ये सेट हो चुका है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट में से इसको फोल्ड करें और फिर मैं इसका ये वाला पार्ट इस तरह से करके फोल्ड कर दूँगी और इसको कट कर दूँगी। मैं आपको फ्रंट पार्ट में ही तीन डिज़ाइन दिखाऊँगी, इसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी है। देखिए ये कट हो चुका है और मैं इसके एक हिस्से पे तो पाइपिंग डालूँगी और दूसरे वाले पे पट्टी। देखिए हम डिज़ाइनर कुर्ती इसको विदाउट लेस के बनाने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके बैक पार्ट का मेजरमेंट तो कर लिया है, अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेजरमेंट करना नहीं आता है तो मैंने न्यूज़पेपर पर उसका पैटर्न बना के रेडी कर रखा है, वीडियो अपलोड हुई भी है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं हमारा फ्रंट पार्ट लूँगी जो मैंने कटिंग किया था, हम अब उसमें डिज़ाइन डालने स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं बड़ा वाला पार्ट ले लूँगी हमारी कुर्ती का और इस पर मैं पाइपिंग देने वाली हूँ। सबसे पहले मैं इस पट्टी को फोल्ड कर कर इस पर एक सीधी सिलाई लगा दूँगी और यहीं से इसको मोड़कर एक बारीक पाइपिंग दूँगी। देखिए इस तरह से आप फोल्ड करके इसको बारीक पाइपिंग दें और इस पर एक पैर की सिलाई लगा दें। देखिए कितनी फिनिशिंग आ रही है हमारी पाइपिंग में। इसी तरह सफाई से आप इसमें पाइपिंग दे दें। देखिए फ्रेंड्स, हम इस वाले पार्ट में तो पाइपिंग डालेंगे और दूसरे वाले पार्ट में हम पाइपिंग नहीं डालने वाले हैं, हम उसमें सिर्फ एक पट्टी मोड़कर सीधी सिलाई लगाएंगे। इस वाले पार्ट में हम पाइपिंग नहीं देंगे। देखिए तो मैंने एक पार्ट में तो पाइपिंग दे दी थी और दूसरे पार्ट में सिर्फ एक सीधी पट्टी दी है। अब मैं इसको इसके ऊपर रख कर इस तरह से जितना हिस्सा खोलना है उतना छोड़कर बाकी ऊपर का स्टिच कर दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अब जो मेरी दूसरी साइड है मैं उस पर पिनटेक्स डालने वाली हूँ ब्लैक कलर के धागे से, इससे अच्छा लुक आएगा हमारी कुर्ती में। हम बारीक बारीक डालेंगे, बिल्कुल बहुत ध्यान देते हुए आप अपनी मशीन पैर पे बिल्कुल ध्यान दें और एकदम सीधी सिलाई लगा दें। इसी तरह बिल्कुल सफाई से फोल्ड करते जाएं। फ्रेंड्स, मैं इसमें 5 पिनटेक्स डालने वाली हूँ थोड़े थोड़े गैप के साथ में। इसी तरह सफाई से आप इसको कंप्लीट कर लें। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कंप्लीट हो गया है, मैं आपको खोल कर दिखा देती हूँ। इसका लुक कुछ इस तरह से आ रहा है, देखिए इस तरह से आया है इसका लुक। इसी के साथ हम दूसरी पिनटेक्स डालेंगे थोड़े गैप के साथ में। देखिए इसी तरह से आप थोड़ा गैप दें और इसमें एक पिनटेक्स डाल देंगे आप। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी सारी पिनटेक्स कंप्लीट कर ली हैं। देखिए मेरे दो डिज़ाइन कंप्लीट हो गए हैं, अब हम तीसरा डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे इन लूप्स डालकर। फ्रेंड्स, मैंने एक डोरी बनाई थी भरी हुई, उसमें से ही मैंने कट करी है दो दो इंच की। और अगर आप डोरी बनाना सीखना चाहते हैं तो मैंने उसकी वीडियो अपलोड कर रखी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। बहुत आसान तरीका बता रखा है मैंने और बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाएगी आपकी डोरी।
फ्रेंड्स इसी तरह से मैं इसको फोल्ड करती जाऊंगी और हमारा नेक कंप्लीट कर लूंगी। तो देखिए मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। देखिए ये इस तरह से दिखेगा। अब हम क्या करेंगे, मैं बुकरम से नहीं फैलाने वाली हूँ गला, क्योंकि इस पर वर्क हुआ हुआ है। मैं इस पर ये कपड़ा रखकर स्टिच करके इसे पलट दूंगी। तो फ्रेंड्स आपको जो स्टिचिंग करनी है मैं बता दूं, जहाँ पर हमने लूपियाँ अटैच करते हुए सिलाई लगाई थी बिल्कुल वहीं आपको स्टिचिंग करते चले जाना है। बहुत ध्यान से हल्के हाथों से इसको स्टिच करते जाएं। तो देखिए फ्रेंड्स ये मैंने कंप्लीट कर दिया। जितना भी इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है मैं वो हटा दूंगी और इसको पलट दूंगी। तो देखिए जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा था मैंने हटा दिया और पीछे का भी एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया है। अब मैं इसको फोल्ड कर दूंगी। तो देखिए फोल्ड करने पर हमारा नेक कुछ इस तरह से दिखेगा। देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है। और इसको सेट करने के लिए मैं इस पर एक पैर की सिलाई लगाऊंगी जिससे कि अच्छे से सेट हो जाए। बिल्कुल हल्के हाथों से आप इस पर स्टिच करते चले जाएं। फ्रेंड्स इन्हें बहुत ब्यूटीफुल लगता है, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। मैंने आपको फ्रंट पार्ट में तीन डिज़ाइन डालकर दिखा दिए हैं। देखिए हमारा नेक रेडी होकर कुछ इस टाइप का दिख रहा है। अब हम हमारी कुर्ती की कटिंग करेंगे। इस तरह कटिंग करने से हमारा कपड़ा कम नहीं होता है। तो मैं इसको अच्छे से सेट कर कर इस पर हमारा बैक पार्ट रखूँगी और इसकी कटिंग कर दूँगी। ऊपर के कपड़े पे कढ़ाई नहीं हुई हुई है तो इसलिए मैं ऊपर का हटा दूंगी और जहाँ तक मुझे लेना है बस वहीं पर ही रखूंगी और इसकी कटिंग कर दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अब मैं बैक पार्ट को हटाकर फ्रंट पार्ट के आर्म होल में गहराई दूंगी, कटिंग कर दूंगी उसकी। जैसे कि मैंने पहले भी बता रखा है फ्रंट पार्ट के आर्म होल में थोड़ी गहराई देनी होती है। देखिए फ्रेंड्स इसकी कटिंग हो गई है और हमारे फ्रंट पार्ट के तीनों डिज़ाइन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम चलते हैं हमारी स्लीव्स की तरफ। तो फ्रेंड्स ये जो स्लीव्स हैं मैंने कट करके रख रखी हैं, ये कम पड़ रही थी इसलिए हम इसमें डिज़ाइन डालेंगे। तो मैं इसमें बेल स्लीव्स का डिज़ाइन देने वाली हूँ। बेल स्लीव्स का डिज़ाइन देने के लिए मैं आपको बता दूँ, मुझे यहाँ पे 5.5 इंच का तैयार पे चाहिए। तो मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेके 6 इंच पे निशान लगाऊँगी और 5.5 इंच इसकी लंबाई रखूँगी जिससे कि 1/2 इंच फोल्ड होके वो 5 रह जाएगी। अगर आप बड़ी रखना चाहें तो बड़ी रख सकते हैं। इसी के साथ मैं इसको शेप देती जाएंगी और इसकी कटिंग कर दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स इसकी भी कटिंग हो चुकी है। मैं आपको दिखा दूं, ये जो मेरी स्लीव्स हैं मैंने इस पे कट लगा रखा है और ये बिल्कुल कंप्लीट आ रही है एकदम। तो इसी के साथ हम दूसरी स्लीव्स भी रेडी कर लेंगे और मैं आपको हमारी कुर्ती का फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी कुर्ती का फाइनल लुक कुछ इस तरह से आया है। मैंने स्लीव्स स्टिच करके इसमें कुर्ती में अटैच कर दी और फिटिंग भी कर ली है। मैंने इसके नेक पर भी थोड़ा सा डिज़ाइन डाला है, आप चाहें तो डाल सकते हैं। फ्रेंड्स तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।